Justice Cornelius, who was by then in this, it was called the Federal Court. In the following year, when the Constitution came, it became the Supreme Court in 1956. In the Federal Court, he was the lone voice which said that the dissolution of the assembly, Constituent Assembly, by the Governor General was illegal. सियासी जमातों के मुजाकरात से कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन 90 दिन में हो, ये चॉइस नहीं, ड्यूटी है। हमारा फैसला मौजूद है, इसी पर अमल दरामद होना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब, कहा अगर आप कहते हैं कि हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज ये ना कहें, आइन के लिए खड़े होना सपोर्ट है, अदालती फैसला चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी होता है। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे नहीं, पाकिस्तान के आवाम को सुरखरू किया। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम थे और वो दो साल एनजीओ ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ एमेंट में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे इमरान खान ने मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम हुआ। पीटीआई हुकूमत का मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठा था। मुकदमे में बरियत से मेरी इज्जत बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात अच्छी रही, जल्द सरमाकारी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। इमरान खान इदारों को बदनाम करने के लिए हर हद पार कर चुका, मजीद इजाजत नहीं देंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक ऐलान, कहा पाक फौज के अफसरान पर इल्जाम, दरअसल इदारे पर हमला है। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। कल की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच नहीं सकता, इमरान खान का जवाल देख रहा हूँ। ये तो कहता था ना कि तुम्हें मेरा नाम लेके, कहता था कि तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटा तुम आओ, तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो अब तुम कह रहे हो एक साल बाद कि जी 14 मई को इलेक्शन अगर ना हुए तो मैं सड़कों पे हूँगा। तुम बेटा सड़कों पे आओ, तुम्हें घर मैं भेजूंगा। इमरान खान सड़कों पर आए तो पहले उनका इलाज करेंगे फिर इलेक्शन करेंगे। तुम सड़कों पर आओ, तुम्हें घर मैं भेजूंगा। तुम घर ना गए तो वहां भेजूंगा जहां एक के सिवा तमाम सहूलतें होंगी। वज़ीर दाखला राणा सनाउल्लाह का पीटीआई को दो टोक जवाब, कहा इलेक्शन इसी साल साफ और शफाफ होंगे, धौंस दिखाओगे तो मई 2024 में भी मुतालबा ही कर रहे होंगे। नवाज शरीफ को किसी खतरनाक मामले में फंसाने की साजिश बेनकाब। लंदन में नामालूम अफराद ने नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां रजिस्टर करा ली। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस के तर्जुमान ने पुलिस को खदशात से आगाह कर दिया, तहकीकात जारी। खुर्रम भट्ट ने कहा कि गाड़ियां दहशतगर्दी और धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो सकती हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलव्वस हो सकते हैं। पार्लियामेंट का दफा करना हमारा फर्ज है, उसने हमें इज्जत दी हुई है। पार्लियामेंट सबसे अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावज ना करें अपनी हदूद से। जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट के कटहरे में आए, हम उनको बुलाएंगे, जिस तरह उस दिन मैंने स्पीच में भी कहा और लोगों ने भी कहा। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का हल ये है कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। सिंध के 24 अजला में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात, नताज आने का सिलसिला जारी। कराची की 11 में से 5 यूनियन कमेटी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 4 यूनियन कमेटियों के साथ आगे, जमात इस्लामी 1 यूसी के साथ दूसरे नंबर पर। 15वें से पीपल्स पार्टी के 6 काउंसलर कामयाब, नून लीग और जमात इस्लामी का 1-1 काउंसलर मुंतखब।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर, कहा कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे। जियालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत ही हमारा शौर है। सईद गनी बोले, जमात इस्लामी जहन बनाकर बैठी है कि इलेक्शन वही जीतेगी। वोटिंग के दौरान ही धांधली का इल्जाम लगा दिया गया, इनके कारकुनों ने गुंडागर्दी से 3 जाले जख्मी कर दिए, प्रिजाइडिंग अफसर को धमकियां दी गईं। जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये जहन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। जमात इस्लामी का जो तर्ज अमल है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर सियासी है। जहाँ जहाँ इन्होंने देखा कि हार रहे हैं वहाँ पे इन्होंने बदमाशी की, आज भी उन्होंने गुंडागर्दी की। हम ये ना कहेंगे जब तक एक आदमी ना गिरा जाए पूरे पाकिस्तान में, जब तक वो ना गिना जाए, मर्दमशुमारी को मुकम्मल ना समझा जाए। एमक्यूएम का मर्दमशुमारी पर खुलकर तहफ्फुज़ात का इजहार, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी में एक भी आदमी कम गिना गया तो मज़ाहमत होगी। जो रियासत दुरुस्त मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी क्या करेगी। कराची के साथ सियासी और इंतकामी इंजीनियरिंग होती है। आर्मी चीफ का सी पैक मनसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अजम का भी अदा। आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात, जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतजलजल हिमायत को सराहा। पिनगैंग का सी पैक पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार, मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस पर दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से कायम मकाम अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की भी मुलाकात, सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज्म बेहतर बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी का दफ्तर ख़ारजा आमद पर इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में मुज़ाकरात हुए, पाक अफगान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर पर बयान बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दिया, वज़ीर ख़ारजा के भारत में बयान पर दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। तर्जमान ने कहा कि भारतीय मीडिया का बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद के खतरे से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना अमल है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई, गुज़श्ता रोज रैली निकालने पर थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। असद उमर, राजा खुर्रम नवाज समेत 47 नामजद और 180 नामालूम कारकुनों के खिलाफ FIR काट दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा इकदाम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस के लिए सेल कायम, रुकावटों से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा कि मुतासरीन वज़ीर-ए-आला ऑफिस से भी राबता कर सकेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत का कारनामा, 7 माह का मंसूबा 4.5 माह में मुकम्मल। लाहौर में अली जेब अंडरपास कलमा चौक आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का दौरा, तजीनो आराइश समेत दीगर इंतजाम देखे। निगरान वजीर आला के दौरा बरतानिया के बायस अंडरपास को बगैर इफ्तिताह ट्रैफिक के लिए खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना मुबशर इकबाल की खयाबान अमीन में खुली कचहरी, हल्का NA 132 और 134 के आवाम के मसाइल सुने, जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। जौहर टाउन में खोखर पैलेस पे भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।